जहां इंसान के एक तरफ खाने के लाले पड़े हों लेकिन रिक्वेस्ट करने से बाज नहीं आते हैं। वेल, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ रूबीना की एक ऐसी रिक्वेस्ट की बिग बॉस के साथ में, जिसे सुनकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे और राहुल वैद्य भी हैरान हो चुके हैं। वेल, आखिरकार कौन सी है ये रिक्वेस्ट, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं गुरुदेव ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। बता दूं आपको कि बिग बॉस के घर में लग्जरी के रूप में एक थिएटर नजर आता है और इस थिएटर में अभी तक कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया है, अनलेस आई थिंक जब गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला को वो दिखाया गया था यहाँ पर कि भाई कौन सही है, कौन सही है, कौन गलत है बजर वाले टास्क में। प्लस यहाँ पर जो एक टास्क था वो थिएटर रूम में किया गया था या वोटिंग का, लेकिन कुछ दिखाने जैसी चीज जो है वो नहीं की थी। जैसे कि कहा गया था कि लॉकडाउन में लोगों को थिएटर्स नहीं मिले हैं देखने को, तो बिग बॉस के घर में थिएटर है, लेकिन ये थिएटर का इस्तेमाल नहीं हो पाया है। अब ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पर रूबीना दिलाय कहती हुई नजर आ रही है बिग बॉस से कि भाई बिग बॉस एक फिल्म दिखा दो, अपने जो लग्जरी के रूप में हमें थिएटर दिया हुआ है, इस थिएटर में हमें एक फिल्म दिखा दीजिए, चाहे तो सलमान खान की फिल्म दिखा दीजिए, बजरंगी भाईजान दिखा दीजिए, एक था टाइगर दिखा दीजिए, कोई सी भी फिल्म दिखा दीजिए, लेकिन फिल्म दिखा दीजिए। यहाँ पर अर्शी खान भी कहती नजर आती कि हम आपके कौन है, ये वाली फिल्म दिखा दीजिए। तो बता दूं आपको कि दोनों ही मिलकर जो है बिग बॉस से रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बिग बॉस उनकी ये रिक्वेस्ट को मानेंगे या फिर ये थिएटर ही ना छिन जाए? पर आप लोगों को क्या है लगता है, क्या है आप लोगों की राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।